इमरान सैफी उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस में न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे पर नर्मदा रिवर ब्रिज के बारे में। आज आपको हम बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देनी जा रहे हैं दोस्तों। वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण चल रहा है और इंडिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे इसको माना जा रहा है। हम बात करेंगे इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे पर जो आपका नर्मदा रिवर ब्रिज बन रहा है उसके फैक्ट के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। इंडिया का ये फर्स्ट रिवर ब्रिज एक ऐसा बन रहा है जिसके अंदर नई टेक्नोलॉजी के केबल अलग अलग डिफरेंट तरीके से इस ब्रिज को तैयार किया जा रहा है और ये ब्रिज 8 लाइन का बनाया जा रहा है दोस्तों। वडोदरा जो नर्मदा रिवर ब्रिज है इसकी जो लंबाई है 1.4 किलोमीटर की लंबाई है और संख्या 9, अवधि लंबाई 144 एम्स में इसको बांटा गया है। स्थान भरूच गुजरात में अंदर ये पड़ता है और आपका इसके अंदर डैक चौड़ाई 20.8 एम्स रखी गई है नर्मदा रिवर ब्रिज की। दोस्तों हम बात करते हैं 1.4 किलोमीटर एक्से डेट डोज केबल स्टार्ट ब्रिज भारत में सबसे लंबा ब्रिज माना जा रहा है। 28.8 मीटर चौड़ा जिसमें 14.5 मीटर कैरिज वे और 3 मीटर फुटपाथ लगा हुआ है। यह आपका 15 मीटर व्यास की दर से बना हुआ है और इसकी जो ऊंचाई रखी गई है इस ब्रिज की वो 36 मीटर ऊंचाई रखी गई है और 9 पाइलों पर बना है और 400 से अधिक इस पर एलईडी लाइट का इस्तेमाल किया गया है नर्मदा रिवर ब्रिज। और इसका शिलान्यास हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और इस 2022 तक इस ब्रिज को कंप्लीट कर लिया जाएगा नर्मदा ब्रिज। दोस्तों इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हम आपको पल पल की खबर आपको देते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।